Hello, everyone. Good morning. वेलकम टू दी एम बाइव आप सभी का वेलकम है स्वागत है एम बाइव के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और मैं अंकित गुप्ता करता हूँ आप सभी का वेलकम आप सभी का स्वागत तो वेलकम एवरी वन एंड गुड मॉर्निंग आज का ये सेशन आपको बेसिकली लाइव प्रीमियर के माध्यम से देखने को मिल रहा है और कल से आपकी क्लास लाइव ही होगी ड्यू टू दिवाली फेस्टिवल आ, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ दैट्स वाई कि इस वजह से आज की क्लास उस तरीके से लाइव नहीं हो पाई जिस तरीके से आप डेली बेसिस पर सेशन को ज्वाइन करते हो लेकिन आज के सेशन में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स ही है ठीक है तो आज करंट अफेयर्स इस माध्यम से हम लोग डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं तो तैयार हो जाइएगा सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा एक बार और फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट से सेशन को लाइक और सेशन को शेयर यहाँ पर जरूर कर दीजिएगा ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर आज का सेशन आपका यहाँ पर रहेगा और हाँ आपका वीकली करेंट अफेयर्स भी अभी आपके यहाँ पर ड्यू है तो जल्द ही आप सभी के लिए वीकली करेंट अफेयर्स का जो सेशन है वो आपके लिए अलाइन कर दिया जाएगा तो वो सेशन भी आपको मिल जाएगा ठीक है आ, फेस्टिवल सीजन है तो थोड़ा बहुत क्लासेज ऊपर नीचे होंगी ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट्स के साथ आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जहां कहीं भी आप लोग क्लास की लिंक को शेयर कर सकते हैं एक बार डू इट फास्ट सेशन को शेयर कर दीजिएगा और दूसरा ज़रूरी काम सेशन को लाइक कर दीजिएगा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सीधा शुरू करते हैं आज के पहली न्यूज़ डिस्कशन के साथ और आपकी पहली न्यूज़ आज जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी बेसिकली एनवायरमेंट से रिलेटेड है ठीक है नेचर से संबंधित न्यूज आपकी यहां पर बनती है तो चलिए पहली न्यूज के साथ करते हैं सेशन की शुरुआत पहली न्यूज आपकी यहां पर एक पर्टिकुलर इंडेक्स रिलेटेड है और इंडेक्स का नाम है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 ठीक है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स कंजर्वेशन शब्द का मतलब होता है संरक्षण कि हम नेचर को कितना ज्यादा संरक्षित करते हैं या नेचर को कितना ज्यादा प्रिजर्व या फिर संरक्षित करने का प्रयास करते हैं तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो भारत वन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स पोजीशन पर मौजूद है टोटल कंट्रीज़ की बात करें तो कुल कंट्रीज़ की संख्या एक है इस इंडेक्स में और अगर 180 कंट्रीज़ के इंडेक्स में अगर भारत की रैंकिंग 176 हो नीचे से बस चार पोजीशन ऊपर तो हम ये कह सकते हैं कि यह काफी वर्स्ट यानी कि काफी बुरा प्रदर्शन है भारत का इस इंडेक्स में तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से भारत को काफी खराब रैंकिंग यहां पर दी गई है इंडिया रैंक्स ऑन वन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स पोजिशन इन द्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर और इन शॉर्ट फॉर्म एनसीआई इंडेक्स भारत का स्कोर टोटल हंड्रेड में से करीब फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव रहा और 45.5 के स्कोर के साथ भारत एक 106 तर्वे स्थान पर आपके यहां पर रहा दिस प्लेसेस इंडिया अमंग द फाइव वर्स परफॉर्मेंस ग्लोबली यानी कि भारत दुनिया के टॉप फाइव या यू कहें कि टॉप फाइव वो कंट्रीज जो वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं उसमें शामिल है क्योंकि भारत 76 पोजीशन पर है देन करीब आती है देन टर्की है देन इराक है एंड देन माइक्रोनेशिया है तो ये चार कंट्रीज हो गए सेवेंटी सेवन सेवेंटी और वन ठीक है और भारत की रैंकिंग हो गई वन तो इंडिया और ये चार कंट्री ये बॉटम पोजीशन पर अगर हम बात करें तो वर्स्ट फाइव परफॉर्मेंस कंट्री आपके यहां पर बनते हैं जिन्होंने सबसे बुरा प्रदर्शन किया है इस इंडेक्स में सुनकर अच्छा नहीं लगेगा एक भारतीय होने के तौर पर तो चलिए इंडेक्स में आगे समझते हैं कि आखिर क्या है इस इंडेक्स के कॉम्पोनेंट और आखिर ऐसी क्या क्या चीज़ें रही हैं ऐसे क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से इंडिया इस इंडेक्स में काफ़ी निचले पायदान पर है एन इंडेक्स इज़ इज़ अ न्यू टूल दैट इवेल्यूएट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स यानी कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स की मदद से हम ये इवेल्यूएट कर सकते हैं इस बात का मूल्यांकन कर सकते हैं कि कौन सा देश कंजर्वेशन के लिए संरक्षण के लिए नेचर के कंजर्वेशन के लिए क्या एफर्ट्स ले रहा है इसके लिए टोटल चार अलग अलग मार्कर्स हैं पहला है लैंड मैनेजमेंट की उस देश ने भूमि प्रबंधन किस हिसाब से किया हुआ है दूसरा है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को खतरा तीसरा पैरामीटर है कैपेसिटी एंड गवर्नेंस की क्षमता कितनी है और सरकार की नीतियां पॉलिसियां गवर्नेंस किस प्रकार से है कंजर्वेशन के लिए और नंबर फोर फ्यूचर ट्रेंड यानी कि भविष्य का रुझान किस प्रकार है यानी कि जिन भी कंट्रीज़ को रैंकिंग आपकी यहां पर दी गई है उन सभी कंट्रीज़ को इन चार पैरामीटर्स पर अच्छे से समझा गया है अच्छे से तोला गया है और उस आधार पर यह इंडेक्स तैयार हुआ है आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जिसने इसे तैयार किया है तो इस इंडेक्स को डेवलप किया गया है या इस इंडेक्स को विकसित किया गया है बाय द गोल्डमैन, 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 सोनेन फेल्ट गोल्डमैन, सोनेन फेल्ट स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी गोल्डमैन मैन फेल्ट स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज एट द बेन गुरियन यूनिवर्सिटी एंड बायो डी डॉट कॉम तो कुल मिलाकर इसमें करीब एक स्कूल एक यूनिवर्सिटी और एक बायो डी डॉट कॉम करके जो आपका यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है इन सभी ने मिलकर इस इंडेक्स को आपके यहाँ पर तैयार किया है तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल रहेंगे आगे बात करते हैं इस इंडेक्स के बारे में और पैरामीटर्स के बारे में कि भारत की रैंकिंग जो इतनी ख़राब है उसके पीछे का कारण क्या है उसके पीछे का रीज़न क्या है अगर हम बात करते हैं एन की तो इसमें कुछ समस्याएं गिनाई गई हैं जो भारत के साथ हैं जिसकी वजह से भारत की रैंकिंग टोटल 180 कंट्रीज़ में भारत वन पोजीशन पोजिशन पर है जैसे कि भारत हाई पेस्टिसाइड यूज़ करता है जिसकी वजह से जो आपका लैंड मैनेजमेंट है वो ख़राब है हाई पेस्टिसाइड यूज़ यानी कि हम क्या करते हैं फसलों पर छिड़कने के लिए कीटनाशकों का कुछ अधिक ही अधिक ही इस्तेमाल करते हैं कीटनाशकों को छिड़कने की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं और ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज करने से क्या होता है सॉयल पोल्यूशन होता है यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है मिट्टी पॉल्यूट होती है मिट्टी का प्रदूषण आपके यहाँ पर बढ़ता है तो इसकी वजह से भी मतलब हम यहाँ पर नेचर को कंजर्व नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं मिट्टी को पॉल्यूटेड कर रहे हैं पॉल्यूट कर रहे हैं तो ये एक कारण है दूसरा है सस्टेनेबल नाइट्रोजन इंडेक्स तो इस इंडेक्स में नाइट्रोजन की अधिकता करंटली अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन इंडेक्स करंटली इज 0.77 इंडिकेटिंग अ नीड ऑफ द इंप्रूवमेंट इन दी सॉइल हेल्थ तो ये जो नाइट्रोजन इंडेक्स है इसमें भारत का स्कोर 0.77 है जो कि दिखाता है कि अभी इस सेगमेंट में भी सॉइल हेल्थ को और इंप्रूव करने की ज़रूरत है तीसरा है मरीन कंजर्वेशन यानी कि समुद्री संरक्षण तो ओनली टू परसेंट नॉट टू परसेंट जीरो पॉइंट टू परसेंट ऑफ इंडियाज नेशनल वाटर वेज आर प्रोटेक्टेड यानी कि भारत के जो राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब भारत के जो राष्ट्रीय वाटर वाटरमार्ग मतलब इनको हम क्या बोलेंगे वाटर वेज को हम लोग बोलते हैं जलमार्ग ठीक है जैसे कि नेशनल वाटर वे नंबर वन तो नेशनल वाटर वे नंबर वन जो आपका यहां पर है नेशनल वाटर वे नंबर जो वन आपका यहाँ पर बनता है वो जैसे कि आपका हल्दिया से लेकर जो बनारस है वहाँ के बीच का जो एरिया है वो नेशनल वाटर वे नंबर वन है तो जैसे नेशनल हाईवेज़ होते हैं वैसे ही नेशनल वाटर वेज़ भी होते हैं नेशनल वाटर वेज़ बेसिकली क्या होते हैं कि ये नदियाँ होती हैं जिसका इस्तेमाल हम आने और जाने के लिए कर सकते हैं ठीक है नदियों का इस्तेमाल हम आने जाने के लिए कर सकते हैं नेविगेशन के लिए कर सकते हैं जिसमें छोटे जहाज़ चल सकते हैं सामानों को ढोया जा सकता है तो ये आपके नेशनल वाटरवेज के तहत आते हैं जो भारत के प्रमुख नेशनल वाटरवेज वेज़ हैं उसमें नेशनल वाटरवे नंबर वन नेशनल वाटरवे नंबर टू ये सब इंपॉर्टेंट है तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो मुश्किल से भारत का नेशनल वाटर का मुश्किल से जीरो एरिया ही प्रोटेक्टेड है संरक्षित है बाकी का एरिया आपका संरक्षित नहीं है तो इस सेगमेंट में भी हमने बहुत ख़राब प्रदर्शन किया है दैट्स वाई कि भारत की रैंकिंग यहाँ पर काफ़ी नीचे है तो ये कुछ आपके यहाँ पर सेगमेंट्स थे या ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से भारत की रैंकिंग इस पर्टिकुलर इंडेक्स में ख़राब थी चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट की बात करते हैं ये इवेंट है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 जिसे रिसेंटली आयोजित आपके यहाँ पर किया गया था नई दिल्ली में सो इंडिया मोबाइल कांग्रेस टू ब्रॉड इंटू लाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए सेंट्रल थीम तो इस साल जो आपका इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो इवेंट आपका आयोजित हुआ है नई दिल्ली में इसकी जो सेंट्रल थीम थी मुख्य थीम थी वो था एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो था आपका ए आई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि इस पूरे के पूरे इवेंट में इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इवेंट में जो ए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है वही छाई रही ठीक है एज अ सेंट्रल थीम होस्टेड इन न्यू डेली इस इवेंट को नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें करीब 900 टेक्नोलॉजी यूज केसेस इसमें मतलब 900 टेक्नोलॉजी से संबंधित जो केसेस हैं उनको दिखाया गया जिसमें से करीब 750 केसेस थे या डिमॉन्सट्रेशन जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड था ठीक है तो जितना भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया उसमें से साढ़े सात सौ केसेस तो आपके केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस इवेंट को इस कांग्रेस को आयोजित किया मतलब इनोग्रेट किया उद्घाटन किसके द्वारा किया गया इंडियन मोबाइल कांग्रेस का तो मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया इस इवेंट में कुछ प्रमुख जो प्रदर्शनियां थी या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन थे टेक्नोलॉजी के तो उसमें बात करें जैसे कि भारतीय एयरटेल तो भारतीय अटल ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में लॉन्च किया इंडिया बहुत होता है लोगों के साथ धोखाधड़ी बहुत होती है फेक लिंक्स भेजना लिंक्स भेजना तो भारतीय अटल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आपके यहां पर डेवलप किया है जो स्पैम वगैरह को डिटेक्ट कर सकता है ऑफरिंग रियल टाइम अलर्ट्स टू कॉम्बैट स्पैम कॉल्स एंड मैसेजेस तो आपके मोबाइल फोन पर जो फेक कॉल्स और मैसेजेस आते हैं उसके बारे में वो आपको रियल टाइम अलर्ट्स देगा यानी कि उसी वक्त आपको यहाँ पर बता देगा कि ये फेक कॉल है ये स्पैम कॉल है ये स्पैम मैसेज है आपको तुरंत पता चल जाएगा ताकि आप किसी भी धोखाधड़ी से बच सकें एरिक्सन नाम की कंपनी ने यहाँ पर रॉकी को इंट्रोड्यूस किया रॉकी एक फाइव जी पावर्ड रोबोटिक डॉक है टू असिस्ट इन एमरजेंसी जो आपकी एमरजेंसी कंडीशन में यानी कि आपात स्थिति में आपकी मदद करेगा तो ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ये एक रोबोटिक डॉग है जो कि लोगों की मदद करने के लिए हेल्प करने के लिए इमरजेंसी कंडीशन में डेवलप किया गया है तो इसे इंट्रोड्यूस किया एरिक्शन ने इस इवेंट में नोकिया कंपनी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं तो नोकिया ने सोकेस किया टेक्नोलॉजी इन 5G, 6G एंड ए आई एम्ब एट सस्टेनेबिलिटी तो सस्टेनेबिलिटी को ऑफर मतलब सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने के लिए 5G और 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ों को डिस्प्ले किया रिलायंस जियो ने इस पर्टिकुलर इवेंट में ऑफर offer किया ऑफर्ड अ प्रीव्यू ऑफ फोन कॉल एआई रिलायंस जियो ने फोन कॉल एआई को एक तरीके से लॉन्च किया या उसका प्रीव्यू दिखाया डिजाइन टू ट्रांसक्राइब एंड समराइज फोन कॉल्स जो आपकी फोन कॉल्स हैं उनको समराइज कर सकता है ठीक है उसके लिए इसे डिजाइन किया गया है ह्यूमोनाइड को वर्कर्स ह्यूमोनाइड को वर्कर्स नामक कंपनी ने एआई पावर्ड बॉट्स आपके यहां परDemonstrate uh, किए एड्रेसिंग द मेंटल हेल्थ इश्यूज तो जो भी मेंटल हेल्थ से संबंधित इशूज हैं ये उनको एड्रेस करेगा उससे संबंधित जानकारी आपको देगा तो मेंटल हेल्थ आज के समय में तेजी से बढ़ने वाला एक मतलब जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो तेजी से इनक्रीज हो रहे हैं तो बेसिकली उस उद्देश्य से इसको आइडेंटिफाई या इसको लाया गया है ठीक है आगे बात करते हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस दो हज़ार चौबीस की बात करें तो अट्रैक्टेड ओवर फोर हंड्रेड एग्जीबिटर्स एंड 900 हंड्रेड स्टार्टअप फ्राम द वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी कंट्री तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए करीब करीब चार सौ एग्जिबिटर्स इसमें शामिल हुए करीब नौ सौ स्टार्टअप ने इसमें पार्टिसिपेट किया और करीब करीब जो भी लोग इसमें शामिल हुए करीब दुनिया के एक सौ बीस देशों से लोग इसमें शामिल हुए एंड इट हैज़ एस्टैब्लिश इट सेल्फ एज एशियाज लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम और अब इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहीं ना कहीं एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम आपके यहां पर बन चुका है जो कि इनकरेज करता है इनोवेशन को नई नई टेक्नोलॉजीज को नई नई रिसर्च को इनकरेज करता है अक्रॉस द टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम सेक्टर तो टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर सभी को मिलाकर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है आजकल एआई से संबंधित इतनी न्यूज आने लग गई है तो ऐसा लगता है कि हमें अपने सेशन में एक एआई कॉर्नर ही बना देना चाहिए ताकि एआई से संबंधित सारी न्यूज वहीं पर हमें देखने को मिल जाए है ना क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इतनी न्यूज आपके यहाँ पर सामने आती है दैट सर्वम हम ए आई लॉन्चेस न्यू लैंग्वेज मॉडल फॉर इंडियन लैंग्वेजेस यानी कि भारतीय भाषाओं के लिए भारतीय भाषाओं के लिए सर्वम ए ने यहां पर एक नया लैंग्वेज मॉडल आपका लॉन्च किया है सर्वम ए आई आर राइजिंग प्लेयर इन इंडियाज जनरेटिव ए आई सेक्टर तो भारत के जनरेटिव ए आई सेक्टर में जनरेटिव ए आई क्या होता है नैरो आई क्या होता है सुपर ए आई क्या होता है इसके बारे में हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है इस समय बेसिकली इंडिया में और पूरी दुनिया में जो हम ए आई कल्चर देख रहे हैं ए आई टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं वो सभी लगभग लगभग नैरो ए आई है नैरो ए आई का अगला स्टेज है जनरेटिव ए आई जहाँ पर जो ए आई होगा वो नैरो ए आई से और बेहतर होगा जो हमारे द्वारा दिए गए टास्क तो करेगा ही साथ ही साथ उस टास्क को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है उस पर भी आपको सजेशन देगा जनरेटिव ए आई जो अपनी मतलब थोड़ी सी अपनी स्मार्टनेस भी रखता हो इसकी अपने सोचने समझने की खुद की भी क्षमता हो फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी ए वेबसाइट uh, पर या मैं किसी ए टूल को यूज कर रहा हूँ और मैंने उस ए टूल को कहा कि काइंडली क्रिएट अ वीडियो विद सनसेट एंड विद सम वर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई इस तरीके से हमने मान लीजिए कि हमने कुछ यहाँ पर कमांड दिए ए को और ए ने वो वीडियो बनाया तो जब ए ने क्या किया हमारे कमांड्स को फॉलो किया और यहाँ पर एक नया वीडियो जनरेट कर दिया लेकिन जब वो वीडियो को जनरेट करेगा तो आपको कुछ सजेशन भी देगा कि अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन रखें तो ये वीडियो और अच्छा लगेगा सनसेट अगर पहाड़ों के पीछे से हो या सनसेट पहाड़ों के पीछे जा रहा हो या यहाँ पर हम कुछ क्लाउड ऐड कर दें या हम कुछ यहाँ पर प्रॉप्स यूज कर दें तो आपका वीडियो और बेहतर हो जाएगा मतलब जो भी आपने उसे इंस्ट्रक्शन दिए वो उनको तो फॉलो करेगा ही और इंस्ट्रक्शन को देने के बाद जो भी उसने वीडियो बनाया है या जो भी उसने इमेज तैयार की है उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है वो उस पर आपको सजेशन भी देगा यानी कि उसके अपने आप की सोचने समझने की एक क्षमता होगी जो आपको अभी तो क्या है जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिए उसने वैसा चीज करके दे दिया उसमें क्या इंप्रूवमेंट होता है या हो सकता है उसके बारे में उसने कोई सजेशन नहीं दिया सो so, सर्वम ए या राइजिंग प्लेयर ये भारत में उभरता हुआ प्लेयर है उभरती हुई कंपनी है एज इंडिया जनरेटिव व्याई सेक्टर भारत के जनरेटिव ए आई सेक्टर में हैज़ इंट्रोड्यूसड अ न्यू लैंग्वेज मॉडल इन्होंने एक नया लैंग्वेज मॉडल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है सर्वम वन इसका नाम है सर्वम वन एंड दिस मॉडल इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर इंडियन लैंग्वेज इस मॉडल को भारतीय भाषाओं के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एंड एज ओपन सोर्स ये ओपन सोर्स है अभी यानी कि इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है एंड इट सपोर्ट्स टेन इंडियन लैंग्वेजेज़ ये दस भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है तो ये पॉइंट थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना कि जो अभी सर्वम वन नाम का जो ए आई है सर्वम ए आई ने अपना नया लैंग्वेज मॉडल आपके यहाँ पर लॉन्च किया है ये कितनी भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है ये दस भारतीय भाषाओं को सपोर्ट आपका यहाँ पर करता है जिसमें आपकी बेंगोली लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज जैसी भाषाएँ आपकी यहाँ पर शामिल हैं इसे अभी रिसेंटली अक्टूबर 2024 में ही आपके यहाँ पर लॉन्च किया गया है सर्वम वन फॉलोज द कंपनी अर्लियर मॉडल इससे पहले अगस्त 2024 में एक और मॉडल इसका लॉन्च किया गया था जिसका नाम था सर्वम टू बी तो सर्वम टू बी के बाद अब ये आपका सर्वम वन ये आपका एक नया आपका यहाँ पर लैंग्वेज मॉडल आपके यहाँ पर बनता है सर्वम वन की अगर हम बात करें तो सर्वम वन को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे सर्वम वन इज डेवलप्ड विद टू बिलियन पैरामीटर्स यानी कि इसे करीब करीब दो अरब पैरामीटर्स के साथ डेवलप किया गया है विकसित किया गया है अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पैरामीटर्स क्या हैं तो पैरामीटर्स इंडिकेट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ एन एआई मॉडल मतलब कि पैरामीटर से हम ये समझ सकते हैं कि जो पैरामीटर्स आपके यहाँ पर होते हैं कि वो एआई मॉडल या लैंग्वेज मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स है कितना उसके अंदर क्षमता है कैपेबिलिटी है ये हमें इंडिकेट करते हैं पैरामीटर्स तो यहाँ पर इसे करीब टू बिलियन पैरामीटर्स से बनाया गया है आपको याद होगा कुछ वक्त पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था माइक्रोसॉफ्ट का फ़ी थ्री मिनी लैंग्वेज मॉडल तो माइक्रोसॉफ्ट का फी थ्री मिनी जो लैंग्वेज मॉडल है उसमें करीब थ्री पॉइंट एट बिलियन पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया गया है एट जी का जो फोर मॉडल है उसमें करीब वन ट्रिलियन बिलियन में है वो वन ट्रिलियन पैरामीटर्स का इस्तेमाल करता है तो ये अभी उस लेवल का तो नहीं है बट हां ये एक नया लैंग्वेज मॉडल है जो इंडियन लैंग्वेजेस के लिए यूज किया गया है और धीरे धीरे ये अपने आपको और डेवलप करेंगे नया वर्जन लेकर आएंगे और बेहतर करेंगे तो ठीक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट लॉन्चेस टू ईयर नेशन वाइड सेलिब्रेशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेलस 150थ बर्थ एनिवर्सरी तो भारत सरकार यहां पर दो सालों के लिए राष्ट्रव्यापी सेलिब्रेशन राष्ट्रव्यापी यहां पर उत्सव होगा सेलिब्रेशन होगा जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वें जन्म दिवस को यहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा सो द गवर्नमेंट विल कमेमोरेट भारत सरकार यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से श्रद्धांजलि देगी याद करेगी एक सौ जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की और इसे अगले दो सालों तक टू ईयर लॉन्ग नेशन वाइड प्रोग्राम फ्रॉम दी 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी सिक्स इसमें होगा बेसिकली है कि अगले दो सालों तक देश के अलग अलग हिस्सों में देश के अलग अलग जगहों पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित प्रोग्राम्स इवेंट्स डिजिटली ऑफ ऑफलाइन मोड में अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आपके यहाँ पर आयोजित होंगे जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित होंगे ठीक है क्योंकि ये कहीं ना कहीं सम्मान हम यहाँ पर दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत को एक किया है क्योंकि तो आपको पता ही होगा कि आज़ादी के बाद भारत की रियासतें अलग अलग बटी हुई थी उन रियासतों को मिलाकर एक हिंदुस्तान में तब्दील किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में आपके यहाँ पर हुआ था और लोकेशन आपकी है नांदी इन गुजरात गुजरात के नांदी में ठीक है इसीलिए गुजरात में आपको पता ही है कि नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी यह दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू आपके यहाँ पर बनता है जिसकी हाइट क्या है जरा मुझे फटाफट से लिखकर बताइएगा नर्मदा नदी के किनारे साधु बेद नाम के रिवर आइलैंड पर नदी का एक छोटा सा टापू जिसका नाम है साधु वेद आइलैंड और केवड़िया टाउन मतलब जो कस्बा है जहाँ पर यह स्टैचू मौजूद है उसका नाम है केवड़िया टाउन केवड़िया टाउन को एकता नगर भी कहते हैं यूनिटी के नाम से या एकता नगर के नाम से भी जाना जाता है और और जिले का नाम बनता है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट जिले का नाम भी नर्मदा है नदी का नाम भी नर्मदा है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आपका डैम है उससे थोड़ा ही आगे उनका स्टैचू बना हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार हैज बीन ऑब्जर्विंग है थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर एज दी राष्ट्रीय एकता दिवस तो आपको ये तो याद ही होगा कि जब भारत मतलब कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में आई थी तो 2014 से ही नेशनल यूनिटी डे मनाना शुरू किया गया था 2014 में पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था और तब से लेकर अब तक हर साल इकतीस अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में टू फोस्टर एंड रेन फोर्स इट्स डेडिकेशन टू प्रिजर्विंग एंड स्ट्रेंथिंग द यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन तो कहीं ना कहीं इनको जो हम लोग यहाँ पर याद करते हैं वो इसलिए याद करते हैं देश की एकता के लिए देश की इंटीग्रिटी के लिए देश की सुरक्षा के लिए जो उन्होंने काम किए हैं जो उन्होंने प्रयास किए हैं उसके लिए इनको याद हम यहाँ पर करते हैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके यहाँ पर डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड न्यूज़ आपकी यहाँ पर बनती है तो इसको ध्यान से समझिएगा देखिए एग्जाम में अभी अगर हम रिसेंट के एग्जाम्स देखें तो उन रिसेंट के एग्जाम्स में डिफेंस एक्सरसाइजेज मिलिट्री एक्सरसाइजेज नेवी एक्सरसाइजेज या फिर एयरफोर्स एक्सरसाइजेज आपकी नहीं पूछी गई लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अपकमिंग एग्जाम में ये एक्सरसाइजेज नहीं पूछी जाएंगे तो आगे आने वाले टाइम में आपसे एक्सरसाइजेस पूछी जा सकती हैं आप चाहें तो अपनी करंट अफेयर्स नोटबुक का एक पर्टिकुलर हिस्सा केवल डिफेंस एक्सरसाइजेज को डेडिकेट कर सकते हैं तीन से चार क्वेश्चन हैं जो कि आपकी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के ऊपर बनते हैं पहले नंबर पर तो ये पूछा जा सकता है कि इस एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन है यानी कि ये कौन से नंबर की एक्सरसाइज है जैसे कि कि ये 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 जो एक्सरसाइज 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 है है एडिशन इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर का दूसरा किन दो कंट्रीज के बीच में आयोजित की जा रही है तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है तीसरा इसकी लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज आयोजित हो रही है तो क्या ये इंडिया में आयोजित हो रही है या सिंगापुर में आयोजित हो रही है इंडिया में आयोजित हो रही है तो इंडिया में किस स्टेट में किस लोकेशन पर आयोजित हो रही है एग्जैक्ट वेन्यू क्या है और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी यहाँ पर यह बन जाती है कि ये एक्सरसाइज किस प्रकार की एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज है एयरफोर्स एक्सरसाइज है नेवी एक्सरसाइज है और इस पांचवा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आर्मी एक्सरसाइज है तो आर्मी एक्सरसाइज में किसी आर्मी बटालियन ने हिस्सा लिया राजपूताना राइफल्स या फिर किसी या असम राइफल्स या किसी भी बटालियन ने अगर हिस्सा लिया या किसी पर्टिकुलर स्पेशल कोर ने हिस्सा लिया तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस आर्मी एक्सरसाइज में भारत की किस बटालियन ने हिस्सा लिया है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एयरफोर्स एक्सरसाइज और नेवी एक्सरसाइज के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कोई पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट इसमें शामिल हुआ है क्या इसमें मतलब कि मैंशन uh, होता है कि पहली बार ये एयरक्राफ्ट इसमें शामिल हो रहा है पहली बार आई विक्रांत इसमें शामिल हो रहा है इस तरीके की चीज़ें पूछ सकता है तो ये पाँच से छः इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक पर्टिकुलर डिफेंस एक्सरसाइज से नेवी एक्सरसाइज एयरफोर्स एक्सरसाइज या आर्मी एक्सरसाइज से पूछी जा सकती हैं तो जब भी कोई भी एक डिफेंस uh, एक्सरसाइजेज या फिर एयरफोर्स एक्सरसाइजेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो ये चार पांच चीजें आपको नोट डाउन करके रखनी है यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो इस साल अगर हम बात करें सिंगापुर और इंडिया के बीच में ये एक मेरी टाइम एक्सरसाइज है यानी कि समुद्री अभ्यास है ना ही आर्मी एक्सरसाइज है ना ही एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये एक समुद्री अभ्यास है नाम है इसका सिम्बैक्स सिम्बैक्स से भी आप पता कर सकते हैं कि सिम्बैक्स के फुल फॉर्म से याद रख पाओगे सिम्बैक्स में ऐसा मतलब है सिंगापुर आई का मतलब है इंडिया सिम्बैक्स में ऐस का मतलब है सिंगापुर आई का मतलब है इंडिया एम का मतलब है मैरी टाइम मैरीटाइम यानी कि समुद्री बी का मतलब है बायलैटरल एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज से रिलेटेड रहेगा ईएक्स यह आपका यहाँ पर शुरू हुआ है ईएनसी e विशाखापट्टनम में तो इकतीसवां एडिशन ऑफ द सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज विल बी हेल्ड टिल अक्टूबर 29 यानी कि यह एक्सरसाइज करीब 29 अक्टूबर तक आपकी यहां पर यह एक्सरसाइज चलेगी ऐसे ईस्टर्न नेवल कमांड यानी कि ईएनसी विशाखापट्टनम तो भारतीय नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में इस एक्सरसाइज को आयोजित किया जाएगा तो एडिशन क्या है पता 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 चल 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 गया 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 किन कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज 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 है पता चल गया। है है किस प्रकार की कहां पर वेन्यू क्या है या लोकेशन क्या है वो हमें पता चल गया ये एक्सरसाइज दो फेजेस में होगी इस एक्सरसाइज के दो चरण होंगे पहला चरण होगा हार्बर फेज यानी कि बंदरगाह के पास हार्बर के पास इस एक्सरसाइज को आयोजित किया जाएगा तेईस से लेकर पच्चीस अक्टूबर के बीच में विशाखापट्टनम में ही फिर इसका सी फेज शुरू होगा समुद्री फेज शुरू होगा जो कि 28 अक्टूबर से लेकर उनतीस अक्टूबर तक आपका चलेगा जो कि बे ऑफ बंगाल में आयोजित होगा तो इस एक्सरसाइज के दो फेजेस रहेंगे दोनों ही फेजेस के नाम इंपॉर्टेंट है और दोनों ही फेजेस कहां कहां होंगे ये याद रखिएगा आगे बात करते हैं आगे यहां पर एक कंप्लीट लिस्ट है और ये कंप्लीट लिस्ट आपकी यहां पर बनती है अभी जो रिसेंट एक्सरसाइजे हुई हैं उनकी तो इस पर भी डाल लेते हैं डिटेल नजर अभी की जो बनती है उसमें सबसे पहले अभी रिसेंटली एटीन एडिशन अट्ठारवा संस्करण हुआ था ज्वाइंट नेवल ड्रिल यानी कि यह भी एक समुद्री एक्सरसाइज थी एक ड्रिल था जिसका नाम था नसीम अल बहड़ नसीम अल बहर। और ये जो आपके यहाँ पर नेवल ड्रिल था ये इंडिया और ओमान के बीच में आयोजित हुआ था गोवा कोस्ट के पास कोस्ट ऑफ गोवा इज रखेगा सुदर्शन कॉप्स हमारे देश की आर्मी की सुदर्शन कॉप्स ने सदन कमांड ने यहां पर एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति को आयोजित किया और एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति आयोजित हुई बबीना फील्ड फायरिंग रेंज जो झांसी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है तो इंडियन आर्मी की सुदर्शन कॉप्स की सदन कमांड एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति बबीना फील्ड फायरिंग रेंज नियर झांसी नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज मालाबार 2024 तो मालाबार कोस्ट हम कैसे कहते हैं मालाबार कोस्ट वैसे तो हम कहते हैं केरला के तट को बट वहां से इसको मत समझिएगा कि ये केरला के आसपास या केरला के समुद्री तट में आयोजित हुई एक्सरसाइज मालाबार इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएसए यानी कि ये सभी आपके हैं क्वाड कंट्रीज क्वाड कंट्रीज यानी कि क्वाडिलैटरल डायलॉग राइट तो कॉर्डिलेटल डायलॉग में टोटल चार कंट्री शामिल है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएसए इसका आयोजन इस एक्सरसाइज का हुआ है विशाखापट्टनम में आठवां एडिशन आयोजित हुआ एक्सरसाइज काजिंद 2024 तो काजिंद नाम से ही आप लोग यहां पर इसे समझ सकते हो काजिंद में ए जेड है कजाकिस्तान तो कजाकिस्तान का के ए जेड और इंड का मतलब है इंडिया तो काजिंद एक्सरसाइज ओली उत्तराखंड में रिसेंटली आयोजित आपकी यहां पर हुई लोकेशन क्या रहेगी लोकेशन आपकी यहां पर रहेगी ओली उत्तराखंड सेवेंथ एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज तो सातवां एडिशन रिसेंटली आयोजित हुआ एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज का तो एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना और रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच में आयोजित हुई यह आपकी एक एयरफोर्स एक्सरसाइज रहेगी और इसे आयोजित किया गया ओमान के एयरफोर्स बेस मसीरा में ओमान में इस एक्सरसाइज को आयोजित किया गया और पांचवा एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज अल नजह तो अल नजह नामक जो एक्सरसाइज आयोजित हुई वो इंडियन आर्मी और रॉयल ओमान आर्मी के बीच में हुई रबकूट नामक लोकेशन है रबकूट ट्रेनिंग एरिया इन सलाहला ओमान में इसे आयोजित किया गया तो लास्ट की दोनों एक्सरसाइज ओमान से रिलेटेड हैं आपको यहाँ पर पी मिल जाएगी तो पी में आपको ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस एक ही जगह मिल जाएंगी तो आराम से इसको पढ़ लीजिएगा आराम से इसको समझ लीजिएगा ठीक है चलिए आगे अब हम लोग आ जाते हैं एमसीक्यू वाले पार्ट पर तो जितने भी एम आज के सेशन में आपको मिलेंगे सारे के सारे लेटेस्ट एम हैं यानी कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड एम हैं ठीक है तो इन पर गौर करिएगा और सेशन के लास्ट में यानी कि कुछ एम आपको होमवर्क के तौर पर भी मिलेंगे तो चलिए लेटेस्ट एम सिक्यूज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन यहां तक का न्यूज डिस्कशन सभी को क्लियर रहा हो तो देन डू लाइक द सेशन अगर अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो तो एक बार फटाफट से सेशन को लाइक सभी लोग जरूर कर दीजिएगा पहला क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल सेलिब्रेट विच एडिशन ऑफ द आयुर्वेदा डे एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन न्यू डेली ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अक्टूबर तो बेसिकली उनतीस तारीख को अभी उनतीस तारीख आपकी यहाँ पर आने वाली है तो बेसिकली आगे आने वाली उनतीस तारीख को आपके यहाँ पर आयुर्वेदा डे आयुर्वेदा डे एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में जो आपके यहाँ पर मनाया जाएगा ये यह आपके यहाँ पर कौन सा एडिशन होगा जो उनतीस तारीख को मनाया जाएगा आपके सामने है पाँच ऑप्शन फटाफट से आंसर पांचवा पा एडिशन है छठा एडिशन है नाइन्थ एडिशन है टेंथ एडिशन है या फिर एट्थ एडिशन आपके यहाँ पर बनता है पांच ऑप्शन आराम से बताएगा सही जवाब सारी की सारी करंट अफेयर्स लेटेस्ट रहेगी मतलब ये कोई प्रीवियस न्यूज पर बेस्ड एमसीक्यूज आपके यहाँ पर नहीं होंगे सारे के सारे लेटेस्ट एमसीक्यूज होंगे तो आराम से आंसर दीजिएगा ओके सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये जो आपका यहाँ पर एडिशन रहेगा ये नाइन्थ एडिशन आपका यहाँ पर रहेगा द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल सेलिब्रेट विच एडिशन ऑफ द आयुर्वेदा डे तो आयुर्वेदा डे का कौन सा एडिशन है जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में आयोजित किया जाएगा उनतीस अक्टूबर नई दिल्ली में साथ ही साथ ये भी याद रख सकते हो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा किस शहर में लोकेटेड है तो ये नई दिल्ली में आपका लोकेटेड है क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं रहूंगा हाइट आंसर दीजिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड इज दैट विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज विद मारुति सुजुकी इंश्योरेंस ब्रोकिंग टू द इंश्योरेंस अवेयरनेस इन रूरल एंड अर्बन रीजन किस सामान्य बीमा कंपनी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीमा जागरूकता बढ़ाने के लिए मारुति सुजुकी इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के साथ यहाँ पर साझेदारी आपकी यहाँ पर की है पांच ऑप्शन बजाज हालियान जनरल इंश्योरेंस भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस और इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री दैट विच कंट्री हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द कंट्री ऑफ फोकस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एट द फिफ्टी एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया टू बी हेल्ड इन गोवा एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किस कंट्री को फोकस कंट्री यहाँ पर घोषित किया गया है किस कंट्री को फोकस कंट्री घोषित किया गया है तो फोकस कंट्री यहाँ पर घोषित हुआ है ऑस्ट्रेलिया तो ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इज ऑन द विच नंबर एनिवर्सरी ऑफ कित्तूर विजयोत्सव ऑन द विच नंबर एनिवर्सरी ऑफ कित्तूर विजयोत्सव अमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प वॉज रिलीज एट द हिस्टोरिक कित्तूर रानी सनम्मा स्टेज कित्तूर फोर्ट प्रमाइसिस ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर तो कित्तूर विजयोत्सव की कौन से नंबर वर्ष गांठ पर 23 अक्टूबर 2024 को ऐतिहासिक कित्तूर रानी चनम्मा स्टेज कित्तूर किला परिसर में एक स्मारक डाक टिकट आपके यहाँ पर जारी किया गया तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर आप सभी को देना है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर डाल दीजिएगा कि यह सौवीं एनिवर्सरी है एक एनिवर्सरी है एक एनिवर्सरी है दो एनिवर्सरी है और क्वेश्चन नंबर फाइव द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि एफ आई यू हैज़ इम्पोज अ फाइन ऑफ फिफ्टी फोर लैख रुपी ऑन विच बैंक फॉर फेलिंग टू रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस एंड नॉट कंडक्टिंग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अंडर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ फॉर सर्टेन अकाउंट एट वन ऑफ इट्स ब्रांचेज इन मुंबई बताना है सही जवाब इस क्वेश्चन का कि वित्तीय खुफिया इकाई ने किस बैंक पर संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट करने में विफल रहने और मुंबई में अपनी एक शाखा में कुछ खातों के लिए धन शोधन विरोधी कानून के तहत उचित न्याय नहीं करने के लिए चौवन लाख रुपए का जुर्माना आपके यहाँ पर लगाया है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव इन दोनों का आंसर आपको देना है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में और इसी के साथ हम करेंगे आज के सेशन की समाप्ति तो आज का सेशन ये बेसिकली ऑफलाइन मोड में हुआ है लेकिन कल से आपका सेशन ऑनलाइन मोड में ही रहेगा तो आज इस सेशन को पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया नोट no डाउन कर लीजिएगा सारी करंट अफेयर्स पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स बाय अंकित गुप्ता टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है तो आज के लिए फिर इस सेशन में इतना ही और आप सभी को इन एडवांस हैप्पी दिवाली तो आज के लिए सेशन में इतना ही थैंक यू सो मच एंड कीप एम बाइविंग बिकॉज एम बाइविंग इज बेटर देन लर्निंग तो आज के लिए सेशन में इतना ही थैंक यू सो मच कीप एम वी बिलीव इन यू